हेलो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन सीखने वालों के लिए खास है। आज की इस वीडियो में हम पाइथन के बारे में फंक्शन की बात करेंगे। पाइथन में हम फंक्शन की बात करेंगे कि पाइथन में हम फंक्शन को कैसे यूज करेंगे और क्या फायदा है, और फंक्शन नहीं यूज करें तो उसका क्या नुकसान है, उसकी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले पाइथन का जो आईडी है उसे मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से हम न्यू फाइल ले लेते हैं। ये यहाँ से हम फाइल पे जाकर के न्यू फाइल चूज कर लेते हैं। ये हमने चूज कर लिया न्यू फाइल। अब यहां पर हमें फंक्शन समझना है। फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि फंक्शन होता क्या है। देखिए, हम थोड़ा सा लिखेंगे और उसी कोड को बार बार यूज करेंगे, यानी कि एक सेट ऑफ कोड हमने लिख लिया, उस कोड को हम बार बार यूज करेंगे, यानी कि वो कोड हम रिपीट नहीं करेंगे। प्रोग्रामिंग में रिपीट करना अच्छा नहीं माना जाता है, सही नहीं माना जाता है। ठीक है, किसी कोड को आप बार बार रिपीट करेंगे ठीक नहीं है, और उससे लाइन भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, हमें कई सारी लाइंस लिखनी पड़ जाती हैं, बार बार एक ही लाइंस को लिखना भी ठीक नहीं है। तो इस वजह से फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज अ सेट ऑफ कोड। ठीक है, उसको हम कोई नाम दे देते हैं और नाम देने के बाद उसी को कॉल करते रहते हैं और वो हमारा काम होता रहता है। पहले नॉर्मल प्रोग्राम की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए एक ए नाम का वेरिएबल है और इसमें हमने स्टोर कराया, सपोज कीजिए 10, और पी नाम का जो वेरिएबल है वो ले लिया हमने, इसमें स्टोर करा दिया 5। ये दोनों में स्टोर करा दिया हमने। अब यहां पर हम प्रिंट कराना चाहते हैं, क्या क्या प्रिंट कराना चाहते हैं वो बताता हूं। प्रिंट किया हमने यहां पे, सबसे पहले हम द एडिशन प्रिंट करवाते हैं। द एडिशन इज, ये हमने लिखा, और यहां पर ए प्लस बी, यानी ए में जो वैल्यू है और बी में जो वैल्यू है इसका एडिशन प्रिंट हो जाए, ये हम चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर यहां पे नीचे आएंगे तो यहां पे फिर लिखेंगे प्रिंट, और यहां पर हम करेंगे द डिफरेंस, यानी इस बार हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं। द डिफरेंस इज ए माइनस बी। ओके, फिर नीचे आएंगे, फिर यहां पे करेंगे प्रिंट द प्रोडक्ट, इट मींस टू से कि मल्टीप्लीकेशन। द प्रोडक्ट इज A इंटू बी। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब एट लास्ट हम क्या करते हैं, फिर लिखता हूं प्रिंट। प्रिंट करवाने के लिए यहां प्रिंट यूज होता है, और लिखता हूं द डिविजन। अब इतना लिख देने के बाद अगर हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं, यहां से देखिए मैं सेव कर रहा हूं इसको, यहां से सेव कर रहा हूं, ये देख सकते हैं आप, लेता हूं सेव। तो यहां से डेस्कटॉप पे हमने सेव कर लिया। अब इसको चला के देखते हैं एक बार, रन करवाते हैं। ये रन करवा लिया हमने और सब कुछ ठीक आ रहा है। एडिशन इज 15, डिफरेंस इज 5, प्रोडक्ट इज 50 एंड डिविजन इज 2। ठीक है, देखते हैं, ये 5 है और 10 है, तो डिविजन सही आ रहा है, प्रोडक्ट भी सही आ रहा है, डिफरेंस भी सही आ रहा है और एडिशन भी सही आ रहा है। अब मान लीजिए कि यहां पर a इज इक्वल टू 10 था और b इज इक्वल टू 5 था, इसके जगह हमें कुछ और चाहिए हो। जैसे सपोज कीजिए a इज इक्वल टू, मैं कर देता हूं 30, और यहां कर देता हूं b इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये कर दिया हमने। अब इसी कोड को, ये जो कोड हमने लिखा है, इस कोड को मैं उठाता हूं, ये कोड जो है हमें दोबारा से लिखना पड़ेगा। ये हमने ये कोड ये लिख दिया। ठीक है, अब इसको रन करवाता हूं, ये रन करवाया, यहां से सेव किया, अब इसको रन करवाता हूं। तो ये देखिए, ये कोड हमारा चल रहा है परफेक्टली। ठीक है, पहला सम, दूसरा डिफरेंस, तीसरा प्रोडक्ट और चौथा डिविजन। अब यहां पर यह चीज भी बिल्कुल सही आ रही है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब मान लीजिए कि फिर हमें जरूरत पड़ी और फिर हमें यहां पर a इज इक्वल टू 50 लिखना पड़ा और b इज इक्वल टू, यानी वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी पड़ी। ठीक है, और यहां 12 लिख देना पड़ा या फिर कुछ और, जैसे मान लीजिए मैं यहां पे 5 कर देता हूं, तो यहां पे 5 लिख देना पड़ा। अब ये चेंज हो गई वैल्यू, अब फिर यहां पे पूरा कोड हमें दोबारा से लिखना पड़ा। ठीक है, यहां पे देखिए, ये पूरा कोड हमें दोबारा से लिखना पड़ रहा है। ठीक है, अब इसको सेव करता हूं, अब इसको रन करवाता हूं, ये रन करवाया, प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सही चल रहा है, प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं, सही भी है। ठीक है, अब मान लीजिए फिर हमें जरूरत पड़ी a इज इक्वल टू 1000, b इज इक्वल टू 100, इसकी जरूरत पड़ गई, फिर ये कोड दोबारा से हमें रिपीट करना पड़ेगा। लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये कोड हमने लिख लिया। अब इस प्रोग्राम को फिर से सेव करता हूं, फिर इसको रन करवाता हूं, ये रन करवाया हमने, प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है, सब कुछ सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मान लीजिए हमें एक
और चेंजिंग करनी पड़ी, यहां पे हमें यहां पे करना पड़ा 2000, a इज इक्वल टू 2000, b इज इक्वल टू 1000, ठीक है। और सेम वही कोड हमें फिर से रिपीट करना पड़ा, तो ये पूरा का पूरा कोड हमें लिखना पड़ा। अब इसको फिर से सेव करता हूं, यहां से सेव कर रहा हूं, ये सेव कर लिया हमने। अब यहां से रन पे क्लिक करता हूं, तो ये रन पे क्लिक किया, कोई दिक्कत नहीं, ये कोड भी हमारा चल रहा है। लेकिन जरा ध्यान दीजिए कि इसमें कितनी सारी लाइंस लिखी जा रही हैं। यहां पे ध्यान दीजिए कि इतनी सारी लाइंस लिखेंगे तब तो हमारा काम बनेगा। ये लाइंस हम कितनी बार लिखते चले जाएंगे, इसका क्या सलूशन है कि हमें लाइंस ये बार बार ना लिखनी पड़े। एक बार हम कोड लिख दें तो उससे हमारा काम चलता रहे, उससे हमारा काम होता रहे। इसका भी क्या कोई सलूशन है तो क्या है और कैसे वो कर सकते हैं? बिल्कुल इसका सलूशन है, इस पूरे कोड को, ठीक है मैं हटा रहा हूं यहां से, ये जो पूरा कोड हमने लिखा इसको मैं हटा देता हूं यहां से, हटा दिया। अब यहां पे क्या करना है आपको, यहां पे डेफ का प्रयोग करना है, यहां पे लिखिए डेफ। अब ये डेफ क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सब बाद में बताऊंगा। यहां पे लिखिए कैलकुलेट, कैलकुलेट, ठीक है, डेफ कैलकुलेट लिखा और यहां पे लगाइए स्मॉल ब्रैकेट। पहला वेरिएबल ए है, दूसरा वेरिएबल बी है, आप जो भी वेरिएबल लेते हो, आप एक्स वाई अगर लेते हैं तो आप यहां एक्स वाई पे लिख सकते हैं, मैं एक्स वाई ही लिख देता हूं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे लिखा मैंने एक्स कॉमा वाई, तो ये हमने ले लिया और यहां लगा दिया कोलन। अब यहां पे हमें एंटर करके नीचे आना है, यहां पे लिखूंगा प्रिंट, ठीक है, और द एडिशन वो मैसेज दे दूंगा जो यूजर को स्क्रीन पर दिखाई देगा इज। अब यहां पे हमने एक्स वाई लिया है तो एक्स प्लस वाई, ये हो गया एडिशन, क्लियर। फिर नीचे आएंगे प्रिंट द डिफरेंस इज, यहां पे कॉमा दे दीजिए, कॉमा छूट गया, एक्स माइनस वाई, ठीक है। और फिर यहां पे प्रिंट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन से है, द प्रोडक्ट इज, जो भी प्रोडक्ट आए वो x इंटू वाई हो जाएगा, ये हो गया, क्लियर है, यहां तक तो क्लियर है। अब फिर यहां पर प्रिंट और यहां पे दे देंगे द डिविजन इज x अपॉन वाई, क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। अब इसको सेव करने की बारी, यहां से सेव कर लीजिए, यहां से पहले मैं सेव एज करता हूं, इसको दूसरे नाम से हम सेव करेंगे। यहां से चलते हैं डेस्कटॉप पे और यहां पर इसको फंक्शन के नाम से सेव करता हूं मैं, टी आई ओ एन, ठीक है, फंक्शन लिखा डॉट पी वाई, फंक्शन डॉट पी वाई, उसको डेस्कटॉप पे करता हूं सेव, यहां से ओके प्रेस किया। अब इस प्रोग्राम को रन करना, यहां पर हमें फंक्शन को कॉल करना है, तो यहां पर लिखता हूं कैलकुलेट लिखा, और अब मान लीजिए फर्स्ट टाइम हमें 100 और 2 कर दीजिए सेव, कर दिया। अब यहां से इसको रन कर दिए, ये प्रोग्राम रन हो गया और सारी चीजें परफेक्टली आ रही हैं। अब मान लीजिए कि आपको ये चीज चेंज करनी पड़ी, ठीक है, चलिए ये भी चाहिए हमें और नीचे और भी चीजें चाहिए, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, यहां पे नीचे आते हैं, इसको पेस्ट करता हूं। अब इस बार हमें क्या चाहिए, इस बार हमें चाहिए 500 और यहां पे चाहिए 500 और 25, इन दोनों के बीच में सारे कैलकुलेशंस करने हैं। यहां से फाइल पे जाइए और सेव पे क्लिक कर दीजिए और यहां से अब रन पे क्लिक करिए। जैसे ही रन पे क्लिक करेंगे ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन करके हमें दे देगा, ये देख सकते हैं 525, फिर यहां पे 4475, फिर 12500, फिर यहां 20, ये सारी चीजें आ रही हैं, डिवीजन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, प्रोडक्ट भी है, ठीक है, और एडिशन भी है, सारी चीजें परफेक्टली आ रही हैं, कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नीचे आते हैं, यहां पर इसको लिखते हैं, ले लेते हैं, और फिर इस बार 1000 ले लेते हैं और इस बार लेता हूं मैं 3, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। यहां से फाइल पर जाते हैं, सेव करते हैं इसको और यहां से रन पे क्लिक करता हूं, रन पे क्लिक किया, ये सारी चीजें परफेक्टली चल रही हैं, कोई दिक्कत इसमें देखिए फिर चल रही है। तो इसका फायदा क्या हुआ हमारे, हमें यहां पर देखिए इसको फिर ले लेता हूं। अब मान लीजिए इस बार हमें क्या जरूरत पड़ी, मान लीजिए 5 की जरूरत पड़ी, 5 और 2,
तो ये 5 और 2 भी ले लिया हमने, और यहां से इस पे जाकर के सेव पे क्लिक कर दिया, और यहां से रन पे जाके क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं ये परफेक्टली रन कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 5 और 2 7 होता है, और डिफरेंस 5 में से 2 अगर माइनस करेंगे तो 3 होगा, और प्रोडक्ट जो है 5 2 जा 10, और डिवीजन जो है परफेक्टली आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो उम्मीद करता हूं ये फंक्शन वाला कांसेप्ट आपको समझ में आ गया हो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।